हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फॉर्मूला.com। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये वीडियो जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कुछ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपके आने वाले एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग सही से पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन ये मत भूलिएगा पढ़ाई करते हुए कि आपको सही डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, सही डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। और सही डायरेक्शन क्या है? सही डायरेक्शन ये है दोस्तों कि आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम डिफिकल्ट भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर की अगर प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी चैप्टर क्वेश्चंस करते हैं, तो इजी से लेकर डिफिकल्ट तक सभी टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई करें। मैंने आपके सामने आज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन रखे हैं। सब क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं, आप ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, टू फ्रेंड्स ए एंड बी रन ऑन अ 550 मीटर सर्कुलर ट्रैक सच दैट ए ओवरटेक्स बी इन द मिडल ऑफ ए सिक्स्थ राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इसमें ए और बी दोनों ने यहां से भागना शुरू किया ऐसे, ठीक है। 550 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, कह रहा है ए जो है वो तेज भाग रहा है बी से, एंड ए ओवरटेक्स बी इन द मिडल ऑफ एज सिक्स्थ राउंड, मतलब ए ने अपने सिक्स्थ राउंड में मिडल में, मतलब कि साढ़े पांच राउंड के बाद जो है बी को ओवरटेक कर लिया, ठीक है। इफ दे वर टू रन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक ऑफ लेंथ 10,000 मीटर फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच हेड स्टार्ट ए कैन गिव टू बी सच दैट दे फिनिश द रेस एट द सेम टाइम। कह रहे हैं अगर उनको 10,000 मीटर की रेस में, मतलब 10 किलोमीटर की रेस में अगर दौड़ना है, तो ए को बी को कितना हेड स्टार्ट देना पड़ेगा सो दैट वो एक ही साथ पे रेस फिनिश करें, क्योंकि देखिए ए जो है वो बी से फास्ट है, ठीक है, तो ए को बी से पीछे रहना होगा ताकि वो सेम टाइम पे फिनिश कर पाए, उसी को हम हेड स्टार्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कि क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है, लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको इसमें देखना क्या है कि ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उतने टाइम में बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कह रहा है कि ए जो है अपने सिक्स्थ राउंड में बी को जो है ओवरटेक करता है, सिक्स्थ राउंड के मिडल में, मतलब कि 5.5 राउंड्स ए ने उस टाइम तक कर लिए होंगे, ठीक है, साढ़े पांच चक्कर लगा लिए होंगे। और देखिए दोस्तों, उस टाइम तक बी ने कितने चक्कर लगाए होंगे, बी जो है बी भी उसी पोजीशन पे होगा, अगर मान लीजिए साढ़े पांच राउंड के बाद पांच चक्कर लगा के ए जो है यहां पर पहुंचा है और बी ने, ए उसको ओवरटेक कर रहा है बी को यहां पे, तो बी भी यहीं पर होगा, लेकिन बी ने कितने चक्कर लगाए होंगे उस टाइम तक, उससे एक राउंड कम, क्योंकि वो पहली बार ए उसको ओवरटेक कर रहा है, ठीक है। तो बी ने यहां तक कितने राउंड लगाए होंगे, 4.5 राउंड, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कि 550 मीटर का जो ट्रैक गिवन है हमें, कि 550 मीटर लेंथ है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप उसको ले भी सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी उस केस में। यहाँ पे हमें इतना समझ में आ रहा है कि कितना भी उसका सर्कुलर ट्रैक हो, जैसे कि 5.5 राउंड्स को अगर मैं 550 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो जो बी है वो 4.5 इंटू 550 डिस्टेंस कवर करता है, जितने टाइम में 5.5 इंटू 550 कर रहा है ए, उतने टाइम में 4.5 इंटू 550 कर रहा है बी, ठीक है। तो अगर मैं 550 को हटाई दूं, फैक्टर को कैंसिल ही कर दूं, तो मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि 5.5 जितने देर में कवर करता है बी, उतनी देर में ए कवर करता है 4.5, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैं 5 डेसिमल को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 11 मीटर अगर बी ट्रेवल करता है तो 9 मीटर जो है वो ए ट्रेवल करता है, मतलब कि अगर 11 मीटर की रेस होती तो जो ये जो है बी का है, सॉरी ये जो है ए का है, ये जो है बी का है, ठीक है, ए ने ओवरटेक किया ना बी को, ए फास्टर है, मतलब कि अगर 11 मीटर की रेस होती तो 11 मीटर जितनी देर में ए चलता उतनी देर में बी सिर्फ 9 मीटर चलता, मतलब कि 2 मीटर के हेड स्टार्ट देनी पड़ती 11 मीटर की रेस में, ठीक है। तो 11 मीटर की रेस में 2 मीटर की हेड स्टार्ट देनी पड़ी, तो 10,000 मीटर की रेस में कितने की हेड स्टार्ट देनी पड़ेगी, 2 डिवाइडेड बाय 11 यूनिटरी मेथड इनटू 10,000। देखिए यहां पे 550 का जो था रोल ही नहीं था, मैंने 550 को कैंसिल आउट कर दिया। ट्रैक कितना भी बड़ा हो दोस्तों, दोनों ने 5.5 और 4.5 की रेशियो में डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो मतलब कि अगर 11 मीटर की रेस होती तो 2 मीटर का हेड स्टार्ट देना पड़ता बी को, ठीक है। अगर 10,000 मीटर की रेस है तो 2 डिवाइड बाय 11 इनटू 10,000 का हेड स्टार्ट देना पड़ेगा, जिसको अगर आप सॉल्व करते हैं आपका आंसर आएगा 1818। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए,
तो दोस्तों क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था लेकिन मुश्किल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अ पर्सन ट्रेवल्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आर एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी एट 80 किलोमीटर पर आर। जैसे मैं पढ़ूंगा मैं आपको कुछ इस टाइप का एक बार ड्रॉ कर लूंगा। 60 की स्पीड पे और ये 80 की स्पीड पे, ठीक है। ही कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 476 किलोमीटर, ये पूरा 476 किलोमीटर है। Such that his average speed of the journey 68. Average speed जो है वो है आपकी 68. ठीक है। Find the time for which the person travelled at 60 किलोमीटर पर आर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। एक तो टोटल टाइम हमें समझ में आ गया कि 476 टोटल डिस्टेंस है और एवरेज स्पीड 68 है, तो जो टोटल टाइम लगा वो लगा आपका 476 डिवाइड बाय 68 इज इक्वल टू 7 आवर्स। मतलब कि अगर इसमें वो टी टाइम के लिए चला तो इसमें 7 माइनस टी टाइम के लिए चला, ठीक है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन बनाऊं तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस इज 476 और डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम जितने के लिए वो चला टी के लिए चला 60 पे, प्लस स्पीड इनटू टाइम 7 माइनस टी के लिए चला वो 80 पे इज इक्वल टू आपका 476, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर आपको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए 60t प्लस 8 56 560 माइनस 80t इज इक्वल टू 476, ठीक है। और t जो है आपका कितना हो गया, ये 20t इज इक्वल टू 84, या मैं यहां पे लिख देता हूं T is equal to 84 by 20 या फिर 42 upon में 10 is equal to 4.2 hours. 4.2 hours मतलब कि 4 hours and 0.2 is 1/5. 1/5 of 60 minutes is 12. That is 12 minutes. तो ये मेरा आंसर हो गया. 4 hours and 12 minutes. दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से भी देख सकता था. मतलब this is also very simple. ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका within 30 टू 40 सेकंड्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते थे कि उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 60 किलोमीटर पे और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 80 किलोमीटर किलोमीटर पर आर पे, ठीक है। तो 68 की अगर एवरेज स्पीड है तो 68 इज जो अगर मैं मिक्सचर एलिगेशन वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगाऊं तो 68 जो है 60 से कितना दूर है, 8, ठीक है। और 68 80 से कितना दूर है, 12। मतलब कि जो 68 है इस 8 पार्ट्स एंड 12 पार्ट्स, मतलब कि ज्यादा टाइम उसने 60 पर चला होगा तभी तो एवरेज स्पीड जो 68 है। तो जो टाइम की रेशियो है, अगर ये वाला टाइम T1 है और दूसरा टाइम T2 है तो T1:T2 की जो रेशियो होगी वो होगी आपकी 12:8, ठीक है ना। तो 12 टाइम्स 12 पार्ट्स वो इतने टाइम के लिए चला T1 टाइम पे 60 किलोमीटर पर आर पे चला, 12 पार्ट्स और 8 पार्ट्स चला वो 80 किलोमीटर पर आर पे, या फिर मैं कह सकता हूं उसकी रेशियो जो है आपकी 12:8 3:2, ठीक है। तो 3:2 का अगर टोटल टाइम है और 7 हमारा ये टोटल टाइम आया ही था, 3:2 की रेशियो में वो चला है और 7 जो है टोटल टाइम है, तो मतलब कि 3/5 × 7 जो है वो T1 टाइम के लिए चला विच इज एट 60 किलोमीटर पर आर, दिस इज नथिंग बट 4.2 आवर्स जो आपने यहां से निकाला, ठीक है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स इसमें कंफर्टेबल थे इक्वेशन बना के, दैट इज फाइन। जो स्टूडेंट जिनको ये वाला एलिगेशन वाला मेथड जो है एवरेज स्पीड वाला समझ में आया है वो इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 4 hours and 12 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री रनर्स आर रनिंग विद स्पीड्स ऑफ 10 m/s, 15 m/s, and 30 m/s ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 60 m इन द सेम डायरेक्शन। Find the time in seconds when they would meet for the first time at the starting point. ये बड़ा important है। पहले बार कब मिलेंगे starting point पे, ठीक है? कह रहा है कि एक circular track है, तीन runners हैं, 10 सबने यहाँ पे anti clockwise जो है या clockwise किसी भी direction में मान सकते हैं दौड़ना शुरू किया। देखिए track का length है 60 m, तो जो first runner है उसकी speed है 10, ठीक है? तो जो time लगा उसको वन राउंड को कवर करने में, ठीक है, वन राउंड उसने कितने रन करा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 60/10, दैट इज 6 सेकंड्स। सिमिलरली वन राउंड करने में
सेकेंड वाला रनर को कितना लगा, ये पहला रनर, ये दूसरा रनर, ये थर्ड रनर, ठीक है, सेकेंड को कितना लगा 61.15, दैट इज 4 सेकेंड्स, और सिमिलरली थर्ड रनर को कितना लगा 2 सेकेंड्स। अब देखिए यहां पे हम उन तीनों को स्टार्टिंग पॉइंट में मिलना है, तो 6 सेकेंड में तो पहला जो रनर है वो अपना राउंड ही क्लियर कर रहा है, तो 6 से कम तो वो हो ही नहीं सकता था, ठीक है, तो 4 और 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 सेकंड में तो अपने वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुंचेगा, 4 और 2 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। अब 6 सेकंड के बाद देखिए क्या होगा, 6 सेकंड के बाद रनर ए जो है वो तो यहां पर होगा, रनर सी जो है वो 2 सेकंड में कवर कर लेता है, तो वो भी 2-2-2 के बाद 3 राउंड काट के यहां पे आ चुका होगा। जो थर्ड रन, जो सेकंड रनर है 4 सेकंड्स वाला, वो 6 सेकंड्स के बाद क्या होगा, एक में तो वो अपना 4 सेकंड्स में अपना राउंड कवर कर चुका होगा और 2 सेकंड्स में वो यहां पर होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मतलब कि सेकंड जो इसके बाद ये 6 के बाद एक और अगर मैं इसको राउंड कटा दूं इसको, तब 12 सेकंड्स के बाद, 12 जो है सेकंड्स के बाद ये तीनों सेम पॉइंट पे होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूं, ठीक है, 6, 4 और 2 का एलसीएम अगर मैं लेता हूं, 6, 4, ऐसे क्वेश्चन में क्या है, अगर आप तीनों तीनों आपको देखना कहां मीट कर रहे हैं, आपने वो क्वेश्चंस देखे होंगे बेल रिंगिंग वाले, ठीक है ना, एचसीएम एलसीएम के टॉपिक जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपने देख सुने होंगे, ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि एक बेल इतने टाइम के बाद रिंग करती है, दूसरी बेल इतने टाइम के बाद रिंग करती है, तो तीनों एक साथ कब रिंग करेंगी, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, तब भी हम क्या करते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 6, 4 और 2 का अगर एलसीएम लेते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 12, मतलब कि 12 सेकंड्स के बाद, ठीक है, वो तीनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। तो आप एलसीएम लेके भी देख सकते थे इसको, या फिर आप देख सकते थे कि कितने कितने टाइम में कौन कहां पर होगा, 4 और 2 तो हमारा पहले एलिमिनेट हो गया था, तो आपका आंसर हो गया इसमें करेक्ट 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 45 किलोमीटर पर आर, मतलब कह रहा है कि अगर बस रुकती नहीं तो वो एक घंटे में 54 किलोमीटर ट्रेवल करती, एक घंटे में 54 किलोमीटर ट्रेवल करती अगर वो कोई स्टॉप नहीं लेती, और अगर वो स्टॉप लेती तो वो 45 किलोमीटर ट्रेवल करती स्टॉपेजेस के साथ। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आर, एक घंटे में वो कितने मिनट्स के लिए रुकती है। अब देखिए दोस्तों, अगर वो स्टॉप ड्यू टू स्टॉपेजेस कितना डिस्टेंस उसने कम कवर करा, 9 किलोमीटर, ठीक है, अगर वो 9 किलोमीटर अगर वो रुक रही है तो उसको 9 किलोमीटर वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो जो टाइम है वो कैसे आप निकाल सकते हैं कितनी देर के लिए वो रुकेगी, जो टाइम टेकन टू कवर दीज 9 किलोमीटर एट 54 किलोमीटर पर आर, ठीक है, वो चल रही होती 54 पे चल रही होती ना, यहाँ पे गलती आपको ये नहीं करनी है, 45 नहीं लेना है आपको, 54 लेना है, तो टाइम क्योंकि 54 पे चल रही होती, ठीक है, तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड दैट इज 54 इज इक्वल टू 1/6 आवर्स। अगर मैं को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आ जाएगा मिनट्स, विच इज 10 मिनट्स, मतलब कि वो जो बस ने स्टॉप लिए पर आर वो आपके थे 10 मिनट्स के लिए स्टॉप लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन जो था वो इजी था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इटसेल्फ इज 20 किलोमीटर पर आर एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर इज 4 किलोमीटर पर आर। तो 20 स्पीड स्पीड एंड डिस्टेंस में दोस्तों आपका बोट स्ट्रीम और ट्रेन्स के क्वेश्चंस बहुत फेवरेट रहते हैं एग्जाम में, तो बोट एंड स्ट्रीम्स के तो क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए हैं, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इटसेल्फ इज 20 किलोमीटर पर आर एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर इज 4 किलोमीटर पर आर। स्पीड जो है बोट की 20 किलोमीटर पर आ रहा है और जो स्ट्रीम की है स्पीड वो 4 किलोमीटर पर आ रहा है। कह रहा है मूविंग विद द स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम मतलब कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है, द बोट वेंट 120 किलोमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस विल व्हाट डिस्टेंस विल द बोट कवर ड्यूरिंग द सेम टाइम गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो सेम टाइम की बात करिए तो टाइम मैं यहां से इजिली निकाल सकता हूं कि उसने ट्रेवल कितना डिस्टेंस किया था 120 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी क्योंकि डाउन स्ट्रीम जा रही थी, विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, ये आपको बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है स्पीड ऐड होती है, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय 4 विच इज 20 प्लस 4 विच इज 24, दोनों स्पीड ऐड हो गई मतलब कि 5 आवर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जिस टाइम की बात हो रही है विच इज 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो ट्रेवल करने में लगा वो लगे 5 आवर्स, ठीक है। अब कह रहा है कि इतने ही टाइम में वो कितना अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, डिस्टेंस कवर्ड विल बी
टाइम इनटू में स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी जब अपस्ट्रीम जा रही है तो माइनस हो जाएगी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, तो 20 - 4 विच इज 16 × 5 विच इज 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर इज माई आंसर। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी लिए हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस आप एसबीआई क्लर्क में जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आराम से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो आप ये क्वेश्चंस को साथ साथ में सॉल्व करें, ठीक है दोस्तों, आप साथ साथ में खुद से सॉल्व करें और देखें कि आप ये सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड सेकेंडली आपको कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन 30-40 सेकेंड से ज्यादा का नहीं है, 30-40 सेकेंड से ज्यादा आपको किसी क्वेश्चन में नहीं लगने चाहिए, बारिंग दिस क्वेश्चन जो अभी आने वाला है सामने। ये थोड़ा सा दोस्तों टफ क्वेश्चन है, इसमें कुछ लोग अटक सकते हैं, देखते हैं दोस्तों एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी एंड क्यू वॉक फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, पी एंड क्यू वॉक फ्रॉम ए टू बी, जैसे मैं पढ़ूंगा मैंने ए और बी यहां पे बना लिया, ठीक है, पी एंड क्यू वॉक फ्रॉम ए टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है ये वाला, एट 5 किलोमीटर पर आर एंड 7 किलोमीटर पर आर रिस्पेक्टिवली, मतलब कि ए की स्पीड जो है, सॉरी पी की स्पीड जो है वो है आपकी 5 किलोमीटर पर आर और क्यू की स्पीड जो है वो है आपकी 7 किलोमीटर पर आर। क्यू रीचेस बी एंड इमीडिएटली टर्न्स बैक मीटिंग पी एट टी, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू टी, ठीक है दोस्तों, आप देखिए कह रहा है कि क्यू की, क्योंकि स्पीड ज्यादा थी, क्यू जो है वो फास्टर है बी से, सॉरी पी से, तो जब Q यहां पे पहुंचा B पे तो फटाफट से वापस टर्न बैक करा उसने, और A जो, जो P था वो इसी डायरेक्शन में आ रहा था उस टाइम पे, तो वापस जब ये आने लगा तो वो कहीं यहां पे मिले, विच इज पॉइंट T, और हमसे डिस्टेंस पूछा है इसका, ये A से लेके T तक का हमें डिस्टेंस पूछा है कि वो कहां पे वो मीट करे। अब दोस्तों देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर है, इसमें हो सकता है आप इस तरह से इसको सॉल्व करें कि पहले आप A से, आप जब Q यहां तक पहुंचा तब तक कितना टाइम लगा उसको, वो टाइम हम मल्टीप्लाई करके देखें कि पहले यहां तक ए कहां तक पहुंचा था, उसके बाद आप फिर से यहां से यहां की जर्नी लें। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका अगर इसका बताता हूं तो, अब दोस्तों देखिए डिस्टेंस जो है, जो क्यू ने ट्रेवल किया, क्यू ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक तो ए से बी तक गया 27 किलोमीटर, तो उसने वो ट्रेवल किया, प्लस वो वहां से लेके टी तक भी आया, तो मैं मान लेता हूं दोस्तों ये वाला डिस्टेंस जो है ये एक्स है, जहां पे वो मीट किया टी पे, तो ए टी जो है, ए टी को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, तो एक 27 तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया क्यू ने, तो बी टी और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है विच इज नथिंग बट 27 - x, ठीक है, तो 27 - x दिस इज इक्वल टू 54 - x, ये वाला डिस्टेंस जो है टोटल क्यू ने ट्रेवल किया, और पी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया विच इज नथिंग बट एक्स, क्योंकि पी तो ए से लेकर टी तक गया और ए से लेकर टी तक का डिस्टेंस हमने कितना लिया है, एक्स लिया है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन में ये है कि जितना भी दोनों ने जर्नी ट्रेवल करी, दोनों ने टाइम जो है वो इक्वल लिया है, ठीक है, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया था ए से और दोनों ने सेम टाइम पे एंड की अपनी जर्नी जब वो टी पे मिले हैं, तो मतलब कि जो टाइम टेकन बाय क्यू, टी क्यू इज इक्वल टू टी पी, दोनों का टाइम जो है बराबर है, एंड टाइम इज व्हाट, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वेरी सिंपल नाउ, तो 54 - x दैट इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी है, क्योंकि 7, और p जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस इज x और स्पीड कितनी है 5, तो आपने इसको सॉल्व किया 54 - x/7 इज इक्वल टू x/5, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं 270 - 5x इज इक्वल टू 7x, 12x इज इक्वल टू 270 और x इज इक्वल टू 22.5 किलोमीटर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो बेसिकली जो टी है वो ए से 22.5 किलोमीटर दूर है, जो हमसे पूछा गया था, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में या फिर किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपको कंडीशन दी गई है उसमें पर क्या चीज कॉन्स्टेंट रह रही है। इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों टाइम जो है, जो पी और क्यू ने ट्रेवल किया वो सेम था, ठीक है, तो हमने टाइम को इक्वेट करने की कोशिश की, उसका डिस्टेंस निकाला, फर्स्ट का सेकंड का डिस्टेंस निकाला, दोनों की स्पीड हमें पता ही थी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके हमने टाइम इक्वेट कर दिया। किसी क्वेश्चन में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम है,
टाइम माइट बी डिफरेंट, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे और डिस्टेंस को डिराइव करेंगे फ्रॉम स्पीड इनटू टाइम। तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको ये ध्यान जरूर रखनी है, ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वेरिएबल, मान लीजिए दो रनर्स हैं या फिर दो लोग हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, कौन सा वेरिएबल उनके लिए सेम है। इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों टाइम जो था दोनों के लिए सेम था, मैंने आपको दिखाया किस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के। SBI Clerk, SBI PO में इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपके साथ फिर आऊंगा एक और वीडियो लेके जिसमें मैं आपके साथ दोबारा किसी टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए एंड अपनी तैयारी करते रहिए। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड थैंक यू।